हे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजियोस्तार। आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर स्ट्रोक सर्वाइवर। स्ट्रोक एक प्रॉब्लम है वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए। यहाँ पर वर्ल्ड और इंडिया में स्ट्रोक के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और स्ट्रोक एक बर्डन है इंडिया और वर्ल्ड के लिए। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एडवाइस या टिप्स स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए उनके नीड के बेसिस पर। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, शोल्डर सबलक्सेशन प्रिवेंशन। यहाँ स्लिंग का यूज़ करेंगे। पेशेंट को शोल्डर स्लिंग पहनना है ताकि अफेक्टेड आर्म सपोर्टेड रहेगा और सबलक्सेशन प्रिवेंट होगा। यहाँ सबलक्सेशन के चांसेस क्यों हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रोक पेशेंट में शोल्डर मसल्स वीकनेस या पैरालिसिस होता है, जो कि लीड करता है शोल्डर जॉइंट की इनस्टेबिलिटी को, जिसकी वजह से पार्शियल डिसलोकेशन होता है। ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि स्लिंग प्रॉपरली फिटेड और कंफर्टेबल हो। नंबर टू, हेमिप्लेजिया कॉन्ट्रालेटरल साइड सपोर्ट। यहाँ स्टिक का यूज़ करना है। अगर हेमिप्लेजिया है यानी कि पैरालिसिस है एक साइड पर, तो वॉकिंग स्टिक यूज़ करना है अनअफेक्टेड साइड पर। ये प्रोवाइड करता है एडिशनल सपोर्ट और बैलेंस में। नंबर थ्री, फुट ड्रॉप मैनेजमेंट। AFO यानी कि एंकल फुट ऑर्थोसिस यहाँ पर पहनना है, जो कि हेल्प करेगा टोज को लिफ्ट करने में और फुट ड्रैगिंग को प्रिवेंट करने में। प्रॉपर फिटिंग और रिकमेंडेशन के लिए ऑर्थोटिस से कंसल्ट करना है। नंबर फोर, स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट। मसल टोन रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, स्पास्टिक मसल्स के लिए रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। यहाँ फोकस करना है अफेक्टेड लिम्स पर, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो और मसल टाइटनेस रिड्यूस हो। नंबर फाइव, स्पीच एंड स्वॉलोइंग एक्सरसाइजेस। टंग और लिप एक्सरसाइजेस, यहाँ आपको स्पीच थेरेपिस्ट के गाइडेंस में स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, जो कि टारगेट करेंगी टंग और लिप मसल को, जिससे स्पीच इम्प्रूव होगी और स्वॉलोइंग फंक्शन भी। नंबर सिक्स, विजुअल फील्ड डेफिसिट। कंपनसेटरी टेक्निक्स का यूज़ करना है यहाँ पे। हेड टर्निंग और स्कैनिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिकली यूज़ करना है, जो कि कंपनसेट करेगी विजुअल फील्ड डेफिसिट को, जो कि हेल्प करेगी ज़्यादा अवेयर होने में सराउंडिंग से। नंबर सेवन, नेगलेक्ट सिंड्रोम अवेयरनेस। यहाँ पे एनवायरमेंटल क्यूज यूज़ करेंगे, जैसे कि अफेक्टेड साइट की तरफ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स रखने हैं जिनको नेगलेक्ट सिंड्रोम है, ताकि अटेंशन उसी तरफ आए और अवेयरनेस इम्प्रूव हो सके उस साइड की। नंबर एट, सेंसरी रीएजुकेशन। टेक्सचर डिस्क्रिमिनेशन, वेरियस टेक्सचर यूज़ करने हैं ताकि सेंसरी परसेप्शन स्टिमुलेट हो। प्रैक्टिस करवाना है डिफरेंट टेक्सचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो भी अफेक्टेड हैंड से। नंबर नाइन, फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूवमेंट। पैक बोर्ड एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करनी है ताकि फाइन मोटर स्किल्स और हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जा सके। यहाँ पर लार्जर पैग से स्टार्ट करना है और स्मॉलर तक जाना है। नंबर टेन, मेमोरी एंड कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस। मेमोरी एड्स यहाँ पर यूज़ करने हैं, जैसे कि कैलेंडर्स, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक रिमाइंडर्स, जो कि कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करें और डेली ऑर्गेनाइजेशन को भी। नंबर 11, फटीग मैनेजमेंट। पेसिंग एक्टिविटीज़, टास्क को ब्रेक करना है स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स में और ब्रेक लेना है टास्क के बीच में एनर्जी कंजर्व के लिए और फटीग प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट, नंबर 12, इमोशनल वेलबींग। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ यहाँ पर करेंगे और उसको प्रैक्टिस करनी है
ताकि स्ट्रेस रिड्यूस हो और इमोशनल वेलबींग को प्रमोट किया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर।